everyone, welcome back to my fancy world. And if you are new to this channel, then hi, I'm Nancy and I make videos on fashion, lifestyle, beauty, makeup और अभी vlogs भी बनाने start कर दिए है. So आज की video में आपको दिखाऊंगी कुछ कुर्ता और कुर्ता sets और साड़ी भी जो मैंने Meesho app से order की है और मैं आपके साथ share करना चाहूंगी उनकी quality कैसी थी, किस price range में थे. So let's get started. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Meesho app के बारे में. तो Meesho is a shopping app जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, घर के सामान से लेके कपड़े तक सब कुछ. Meesho app एक platform है जहाँ पर हमारे local sellers जो होते हैं वही अपना सामान ज्यादातर sell करते हैं. तो Meesho app के थ्रू आप इजीली अर्न कर सकते हैं थ्रू रीसेलिंग, कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीद के उसमें अपना मार्जिन जोड़ के और फिर आगे रीसेल कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को. एंड स्पेशली वुमेन जो घर पर रहती है उनके लिए Meesho app बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं रीसेलिंग के थ्रू. और अभी लॉकडाउन चल रहा है सो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस थिंग. तो अगर आप भी घर बैठे कुछ अर्न करना चाहते हैं तो आप Meesho app के थ्रू अर्न कर सकते हैं. डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ₹100 या उससे ज्यादा का भी डिस्काउंट मिल जाएगा. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था Meesho app से और उनकी क्वालिटी कैसी थी. तो मैंने बेसिकली चिकनकारी कुर्ते ही ऑर्डर किए हैं क्योंकि आई लव चिकनकारी वर्क. सो द फर्स्ट कुर्ता दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस ब्लैक कुर्ता. ये चिकनकारी वर्क में है, बहुत सुंदर इस पे वर्क है. नीचे बॉटम में भी, नीचे जो इसका बॉर्डर है इस पे भी वर्क दिया हुआ है और ओवरऑल पूरे कुर्ते पे वर्क दिया हुआ है चिकनकारी का. और इसके स्लीव्स पे भी यहाँ बॉर्डर टाइप पे जो है ये थोड़ा सा वर्क दिया है चिकनकारी का ही. सो ये कुर्ता होता है जॉर्जेट मटेरियल में तो इसका सी थ्रू मटेरियल होता है इसलिए इसके साथ ये इनर भी आया है. किसी किसी कुर्ते में इनर नहीं आता है, वो थोड़े प्राइस में भी कम होते हैं, बट मैंने इनर के साथ ही मंगवाया है वरना आपको अलग से खरीदना पड़ेगा. बट अगर आपके पास पहले से इनर है तो आप विदाउट इनर वाला कुर्ता भी ले सकते हैं, उसमें आपको प्राइस कम मिलेगा. सो दिस इज द इनर. इसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है अंदर पहनने के लिए क्योंकि गर्मियों में भी ठीक रहेगा, ज्यादा मोटा मटेरियल नहीं है इसका. सो इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आपने मुझे वहां देखा होगा ये वाला कुर्ता पहने हुए, बहुत सुंदर लगता है ये. इसको आप किसी भी जंक ज्वेलरी के साथ पहनो बहुत सुंदर लगता है ब्लैक कलर में ये कुर्ता. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कुर्ता. सो द नेक्स्ट कलर दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस पिंक कलर. इन सभी कुर्तों के प्राइस और साइज जो मैंने ऑर्डर किया है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी कुर्तों के नीचे कोड्स, साइज और प्राइस तीनों चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. तो ये है बेबी पिंक कलर का बहुत ही क्यूट सा कुर्ता चिकनकारी वर्क में, स्पेशली ब्लैक, व्हाइट और ये बेबी पिंक कलर बहुत ज्यादा चलते हैं. और चिकनकारी वर्क ऐसा है जो हमेशा ही ट्रेंड में रहता है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है तो आप ले सकते हैं. सो दिस इज द कुर्ता, बहुत सुंदर है ये कुर्ता. इसमें भी पूरे में वर्क दिया हुआ है नीचे तक और बैक साइड में भी ये छोटे छोटे पैचेस टाइप दिए हुए है ये. और ये सिर्फ कुर्ता नहीं है, ये मैंने पूरा सेट मंगवाया है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगर आप बाहर से लेते हैं तो इससे भी ज्यादा महंगा आता है ये, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है कुर्ता अलोंग विद दिस इनर. तो ये जैसा ब्लैक था वैसा ही ये पिंक कलर में इनर है इसके साथ और इसके साथ आपको मिलता है ये व्हाइट कलर का शरारा. सो इट इज अ कम्प्लीट सेट. ये आपको इसमें शरारा मिलता है, शरारे का भी बहुत अच्छा है इसमें नीचे वर्क दिया हुआ है और कपड़ा भी बहुत ज्यादा यूज किया है इसमें जॉर्जेट में ही. और इसमें अंदर आपको लाइनिंग भी लगी हुई आती है शरारे में इसके. सो दिस इज द शरारा, इसका आप घेर देख सकते हैं नीचे से, बहुत अच्छा घेर है इसका. ऊपर ऐसे इलास्टिक टाइप दिया हुआ है. ये साइज सबसे छोटे थे, इससे छोटा साइज नहीं था इसमें, तो इसमें मुझे अल्टर करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सभी कुर्ते बहुत लूज है मुझ पर, क्योंकि चिकनकारी वाले जो चिकनकारी वाले कुर्ते होते हैं इनमें छोटा साइज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बड़े साइज इसमें आपको इजिली मिल जाते हैं. तो इस पूरे सेट में आपको मिलेगा कुर्ता, इनर और शरारा और इसके साथ दुपट्टा भी था व्हाइट कलर का जो मैंने खो दिया है, एक बार भी नहीं पहना और गुम कर दिया मैंने. तो इसके साथ ही व्हाइट कलर का शिफॉन में दुपट्टा आया था. यहाँ पर मैं आपको इमेज शो कर दूंगी तीनों सेट की, इस सेट में जो जो तीनों आइटम्स थे उनकी, तीन नहीं चार आइटम्स थे. नाउ द नेक्स्ट कुर्ता इज दिस ग्रीन कलर कुर्ता. ये मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया था और इसमें आगे गोल्डन प्रिंटेड टाइप में डिजाइन है इसके स्लीव्स पे भी. तो ये फ्लोर लेंथ में पूरा कुर्ता है, नीचे से अनारकली टाइप है और इसमें नीचे बॉटम में भी ऐसा डिजाइन दिया है जो इसके ऊपर नेक पे और स्लीव्स पे था.
तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा है। तो ये गाउन स्टाइल में कुर्ता है, इसके साथ नीचे बॉटम यानी पजामी वगैरह कुछ नहीं है, बट इसके साथ आपको एक दुपट्टा मिलता है। ये है इसके साथ जो दुपट्टा आया था, इसमें भी पूरे में वर्क दिया हुआ है, बॉर्डर्स में भी और इसके बॉटम में भी वर्क है। तो इसके पूरे ही दुपट्टे में बहुत सुंदर वर्क दिया हुआ है। बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते दुपट्टे, क्योंकि सूट जिनका हैवी होता है उनके साथ दुपट्टा थोड़ा लाइट वेट और कम वर्क में ही आता है और वही ज्यादा बेटर लगता है। दिस इज द दुपट्टा। मैंने थोड़ा अच्छा सा मेकअप किया है, तो मुझे मेकअप में कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आज ये ग्रीन और येलो शेड आईशैडो बनाया है। आई होप यू लाइक इट। नहीं। नेक्स्ट कुर्ता इज दिस लेमन कलर में ही चिकनकारी में कुर्ता। इस टाइप के कुर्ते आपके जीन्स और डेनिम वगैरह पे ही अच्छे लगते हैं ज्यादा, क्योंकि बहुत पतला इसका मटेरियल है और बहुत ज्यादा डिजाइन भी नहीं है इस पे, सिर्फ ये छोटे छोटे पैचेस दिए हुए हैं और बॉटम में दिया है और इसका सारा डिजाइन इसके नेक पे ही दिया हुआ है। तो इस टाइप के कुर्ते जीन्स पे बहुत अच्छे लगते हैं और ये कलर भी बहुत ज्यादा समरी है, समर्स में अगर आप इस टाइप के कलर्स पहनते हैं। सो ये कलर भी बहुत समरी है, समर्स में इस टाइप के लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और जॉर्जेट के मटेरियल में वैसे भी गर्मी नहीं लगती है। सो आई थिंक गर्मी में आपको इस टाइप के ही कलर्स और जॉर्जेट में कुर्ता आप ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्लाउज। तो ये ब्लाउज मुझे बहुत पसंद था और इसमें ऑलमोस्ट सभी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, और इसमें मैं चूज कर रही थी कि किस कलर में मुझे ये लेना चाहिए। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू बाय दिस इन येलो कलर। तो मैंने इसे येलो कलर में लिया है और ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। इसपे पूरे पे मिरर वर्क है और वो नकली फॉइल वाला वर्क नहीं है, इसपे एक्चुअल में जो रियल मिरर होता है वही वर्क इसपे दिया हुआ है। और इसमें साथ में ये थोड़ा थ्रेड वर्क और जरी वर्क जो होता है वो भी पूरे में दिया हुआ है। और बैक साइड से भी ये बहुत स्टाइलिश है, इसका ये इस टाइप का डीप नेक आता है। तो ये ब्लाउज बहुत सुंदर लगता है, बहुत अफोर्डेबल है, इसके साथ कोई भी प्लेन साड़ी आप ले सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में ये पूरी साड़ी रेडी हो जाती है। ऑल्सो दिस इज अ पैडेड ब्लाउज, तो आपको इस रेंज में इस टाइप की क्वालिटी बहुत अच्छा है ये। तो अगर आप बाहर से किसी भी स्टोर से लेते हैं तो आपको इस टाइप की क्वालिटी में बहुत महंगे मिलते हैं ये ब्लाउजेस, क्योंकि जितना इसका प्राइस है इतनी तो अगर आप स्टिचिंग में भी अगर आप बाहर से कुछ ब्लाउज का कपड़ा लेके और फिर स्टिच करवाते हैं तो इतना प्राइस तो उसी का हो जाता है और आपको इसमें पूरा ब्लाउज बना हुआ मिल रहा है। तो इस ब्लाउज के मैचिंग में मैंने ये शिफॉन की साड़ी मंगवाई थी, इसमें ये बॉर्डर इसका गोल्डन गोटा वर्क टाइप दिया हुआ है और येलो में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं। सो आई वॉज इन श्योर के दोनों साड़ी का और ब्लाउज का जो कलर है येलो वो मैच हो जाएगा, बट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही कलर आया है, तो ये दोनों बहुत अच्छी तरह से मैच हो गए हैं क्योंकि मैंने साड़ी अलग मंगवाई है और ब्लाउज अलग। सो ये साड़ी पूरी शिफॉन में है, जिस टाइप का दुपट्टे का मटेरियल होता है पूरा वैसा ही मटेरियल है इस साड़ी का। तो अगर आपको कुछ लाइट वेट में चाहिए तो आप शिफॉन की साड़ी ले सकते हैं इस टाइप के ब्लाउज के साथ, और अगर पूरा ब्लाउज आपका वर्क वाला है तो उसके साथ प्लेन साड़ी ही चलेगी। और अगर आपको इस टाइप में बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी साड़ी नहीं चाहिए तो आप इसके साथ सिल्क में भी साड़ी ले सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। सो ये ब्लाउज आपको फ्री साइज में ही मिलेंगे, इसमें एक ही साइज आता है तो आपको ये ऑल्टर करवाना पड़ेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। और इसकी एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसके जो मिरर्स है कहीं कहीं से ये निकल रहे हैं, तो आप या तो इसको पेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरह। सो ये पूरी सो ये पूरी साड़ी रेडी हो जाती है ₹700 या 800 में, ब्लाउज प्लस साड़ी। और बाहर से अगर आप इस टाइप की रेडीमेड साड़ी लाते हैं तो वो 1500-2000 से कम बिल्कुल नहीं आती है। सो आप ऐसे इंडिविजुअली दोनों आइटम्स खरीद सकते हैं मीशो ऐप से। सो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मीशो ऐप से शॉपिंग का बहुत अच्छा रहा है, अभी तक मैंने जितने भी आइटम्स मंगवाए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। इनसे पहले भी मैं कुछ आइटम्स मंगवा चुकी हूँ, साड़ी सूट वगैरह जो मैंने गिफ्टिंग के लिए मंगवाए थे तो वो भी बहुत अच्छे आए थे। बट आई विल एडवाइज यू कि अगर आप जब भी मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं तो आप उनके रिव्यूज जरूर चेक कर ले एक बार, क्योंकि जो इमेजेस वहां पे शो करी हुई होती है वो कभी कभी डिफरेंट होती है जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, कभी उनकी इमेजेस, साइज और जो वर्क उस पे होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो आप रिव्यूज में जरूर देख लेना उनकी जो एक्चुअल इमेजेस होती है प्रोडक्ट्स की। ऑल्सो सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं, कोई आपको
कम में दे रहा होता है, कोई आपको ज्यादा प्राइस में दे रहा होता है। सो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लें कि सेम प्रोडक्ट्स डिफरेंट सेलर्स के पास शायद प्राइस कम में हो। सो डाउनलोड लिंक और इन सभी प्रोडक्ट्स के कोड्स और साइज एंड MRP मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट आपके फर्स्ट ऑर्डर पर। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द गिव अवे। तो इस वीडियो में मैं ऐड कर रही हूँ एक गिव अवे जो है ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है तो मैं इसकी सिर्फ इमेज ही यहाँ पर शो कर रही हूँ। सो ये प्रोडक्ट आपको गिव अवे में मेरी तरफ से मिलेगा। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये तीन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट रूल इज टू लाइक दिस वीडियो, सेकंड इज टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड थर्ड इज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करके ये जरूर लिखना है दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे कॉन्टेस्ट। तो आप कमेंट में जरूर लिख देना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और मैं इस गिव अवे के रिजल्ट्स अनाउंस करूंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आप इस तो आप ये तीनों रूल्स फॉलो जरूर कर लेना इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं गिव अवे के वो मैं वहीं पर अनाउंस करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। और मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो सरोजिनी नगर मार्केट वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने गिव अवे रखा था एक, और मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में भी गिव अवेज एड करती रहूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। आपको दिखाऊंगी कुछ कुर्ते जो मैंने मीशो ऐप से डाउनलोड करी थी। सो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कुछ कुर्ता और कुर्ता सेट जो मैंने मीशो ऐप से डाउनलोड करे आ रहा है बार बार मेरे मुंह पे। तो ऐप इज अ शॉपिंग ऐप जहाँ से आप कुछ भी शॉप कर सकते हैं, घर का सामान, कपड़े, अड़ाना पड़ाना डिमकाना। तो मीशो इज एन शॉपिंग ऐप एंड क्यों बोला मैंने, कुछ ना कुछ अर्न जरूर कर सकते हैं, नहीं कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।